गाइस, नोकिया X600 स्मार्टफोन के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होगा एंड बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो ऐसे में नोकिया का जो फोन मैनेजर करता है HMD ग्लोबल ने भी यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है नोकिया X600 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन आएगा काफ़ी सारे बहुत फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह एक फ्लैगशिप फीचर्स के साथ, एंड नोकिया मेरे हिसाब से कम बैक करने जा रहा है इस स्मार्टफोन के साथ। इसमें कुछ हाईलाइट फीचर्स बाहर आ चुका है, जैसे कि स्मार्टफोन आएगा 300 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप जो पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहा है कोई स्मार्टफोन एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर, जिससे आप 8K का वीडियो शूट कर सकते हो इजीली स्मूथ तरीके से। इसमें पावरफुल एक लेटेस्ट गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा जिससे जितने भी हाई ग्राफिक्स लेटेस्ट गेम प्ले वगैरह बहुत ही स्मूथ तरीके से खेल सकते हो। साथ ही साथ एक H2K डिस्प्ले मिलेगा एंड डिस्प्ले से आप कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही खास आपको व्यू मिलने वाला है। एंड स्मार्टफोन को चाहिए चलाने के लिए बिगर बैटरी, तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एक बिगर बैटरी के साथ स्मार्टफोन आएगा लेटेस्ट फास्ट चार्जिंग के साथ नोकिया X600। एंड स्मार्टफोन के अंदर बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी कई बच्चा ध्यान रखा जाएगा। तो फटाफट से जान लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स जो मिलेगा जो मैं बताने वाला इस वीडियो के अंदर, दी गई इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रेडिक्शन के ऊपर बेस होगा। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने भाई को तो सपोर्ट कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले मैं तो बता दूँ, ये स्मार्टफोन नोकिया काफ़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी के मामले में हो या फिर यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में। तो इस बार भी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। फ्रंट एंड बैक पैनल फुल्ली ग्लास होगा एंड ग्रेन कलर के साथ बैक पैनल देख पाएंगे। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप लाइक आईफोन की तरह, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एप्पल की तरह यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल सकता है नोकिया का स्मार्टफोन। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप एप्पल नहीं कहोगे, इसको नोकिया ही कहने पर पड़ेगा, क्योंकि नोकिया का भी आप ब्रांडिंग देखने को मिलेगा बैक पैनल एंड 3 कैमरा सेंसर के साथ आएगा स्मार्टफोन। फ्रंट साइड देख पाएंगे 6.78 इंच का एक सुपर एमोलेड, जो E6 AMOLED डिस्प्ले इतना एकदम लेटेस्ट एमोलेड यूज़ करने वाला है। एंड ऑब्वियसली ये डिस्प्ले कार्प एज क्लास का आएगा, जो यूज़ करने में भी बहुत ही प्रीमियम होगा एंड दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन का डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाला है। एज डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे प्रीमियम फील तो बहुत ज़्यादा आएगा, इसके साथ साथ डिस्प्ले के अंदर कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत ही खास होगा। इसमें 10 बिट के ऊपर कलर सेंसर का काम किया है, जिससे काफ़ी ब्राइट एंड काफ़ी कलर कॉन्टेंट के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है, कंटेंट वॉचिंग वगैरह देखने में हेल्प मिलेगा। एंड डिस्प्ले टच एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए इसमें 144 हर्ट्ज़ का हाई रेफ्रेश करता है ये डिस्प्ले, तो टच भी बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, एंड अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा जो लगभग 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिस सेल्फी कैमरा से आप 4K वीडियो इजीली शूट कर सकते हो, एज ए ब्लॉगिंग की तरफ स्मार्टफोन को फ्रंट कैमरा को यूज़ कर सकते हो। बैक कैमरा तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्मार्टफोन आएगा 3 कैमरा सेटअप के साथ, जिसका मेन कैमरा सेंसर होगा 300 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप, जो काफ़ी लार्जेस्ट सेंसर होगा। बहुत बार मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि लार्जेस्ट सेंसर इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर होता है एंड जिसमें लो लाइट में बहुत ही आपको हेल्प मिलता है फोटो एंड वीडियो वगैरह शूट करने में। एंड इस कैमरा सेंसर से आप बुक के साथ 8K का वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे बहुत ही स्मूथ तरीके से। एंड डिफरेंट सेंसर डिफरेंट काम के लिए यूज़ कर पाओगे, जो अलग अलग सेंसर होगा, अल्ट्रा वाइड एंगल, मैक्रो लेंस, तो यहाँ पे अलग अलग सेंसर अलग अलग काम के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। साथ ही स्मार्टफोन आएगा पावरफुल एक गेमिंग प्रोसेसर के साथ, जो प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज़ करने वाले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आएगा स्मार्टफोन, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, जितने भी हाई ग्राफिक्स गेम प्ले वगैरह बहुत इजीली कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज वगैरह नहीं होगा। एंड इसमें बैटरी कंज्यूम भी बहुत ही लो होने वाला है। साथ ही साथ EOS 4.0 एंड LPDDR6 का रैम सपोर्ट, जिससे स्मार्टफोन का यूज़र एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक आपको स्मूथ देने वाला है। साथ ही इसमें नोकिया का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नोकिया प्योर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ब्लूटूथ आपको देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे सेंसर वगैरह सब कुछ भर भर के देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन आएगा एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ, जो लगभग 7000 से लेकर 8000 का स्मार्टफोन का बैटरी मिलेगा। एंड इसको चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली 150 करता है, चार्जिंग भी देते देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर। तो यही थी कंप्लीट स्पेक्स एंड फीचर्स, जो हाईलाइटिंग फीचर्स में न्यूज़ के अकॉर्डिंग बाहर आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, ये स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च कब तक लॉन्च होगा, कितने प्राइस में लॉन्च होगा, उसका कोई भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। लेकिन हम मान के चलो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करके स्मार्टफोन नोकिया X600 अपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में फिर से अपना नाम कायम रखने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर नोकिया X600 में स्मार्टफोन बड़े बताइए, वीडियो अंदर बहुत शुक्रिया, प्लीज़ लाइक कर देना, सभी को शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।